हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आई एम राहुल। आप सभी फ्रेंड्स का मेरे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप सब कैसे हैं? जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो अपलोड करी थी, जो 56 ईयर ओल्ड पूनम जी की, काफ़ी लोगों ने कमेंट करा है। तो दोस्तों, एज कोई नहीं होती सीखने की। अगर 18 प्लस हैं आप, 60 साल के, 70 साल के, 80 साल के कोई मायने नहीं होता। आप एक्टिव हैं, आपके अंदर पैशन है, आपका फोकस गोल पे है, तो कोई भी काम आप कर सकते हैं। लाइफ में हम हमेशा सीखते ही रहते हैं, किसी न किसी मोड़ पे कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। दोस्तों, मेरे साथ मेरी स्टूडेंट है, क्या नाम है आपका? प्रिया सिंह। प्रिया सिंह, एक फिर मैं नई वीडियो के साथ आया हूँ प्रिया सिंह के साथ। तो हम उनसे बात करेंगे, कितने डेज हो गए उनको ड्राइविंग करते हुए? कितने डेज हो गए आपको ड्राइविंग करते हुए? कहाँ से आती हैं आप ड्राइविंग सीखने? इंदिरा नगर से। ओके, अभी तक आपने कौन कौन से गियर में कार को ड्राइव किया है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ओके, फोर्थ तक गए हैं। अभी आप किस रोड पे चल रहे हैं? हम अभी भूतनाथ रोड। यहाँ से सीधा कहाँ निकलेंगे? हम पॉलिटेक्निक। पॉलिटेक्निक निकलेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ आप तक पहुँच सकें। तो दोस्तों, ये है डिवाइडर रोड। डिवाइडर रोड पर हमें कार किस साइड में चलाना चाहिए, कौन सी लाइन कितनी स्पीड की होती है, किस गियर में किस साइड में हम चल सकते हैं, कितना टाइम पहले हम सिग्नल देंगे, कितना टाइम पहले गियर चेंज करेंगे, सामने वाली गाड़ी को कैसे जज करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। ये भूतनाथ एरिया है, फैज़ाबाद रोड। अभी हम लोग भूतनाथ क्रॉस कर रहे हैं और प्रिया जी इसी फैज़ाबाद रोड पर कार को ड्राइव कर रही हैं। इनकी गाड़ी की जो स्पीड है वो 20 के आसपास है। गियर जो है वो सेकेंड है, तो सेकेंड गियर की जो मिनिमम स्पीड होती है वो 20 होती है, मैक्सिमम 30 होती है। तो ये फैज़ाबाद रोड है, बिजी रोड है, लेकिन गाड़ी यहाँ पे 20 की स्पीड में चल रही है क्योंकि गियर सेकेंड है। हल्का लेफ्ट रखिएगा। अगर ये गाड़ी राइट वाली लाइन में चल रही होती तो इनको 40 प्लस स्पीड रखना पड़ता, क्योंकि जो भी गाड़ी ओवरटेक करेगी वो राइट साइड से करेगी। अगर ये राइट साइड में गाड़ी 20 की स्पीड में चलाएंगे तो पीछे वाले ट्रैफिक को डिस्टर्ब होगा। तो अगर हमें राइट वाली लाइन में चलना है तो गाड़ी की स्पीड 40 प्लस रखना है, तो उसके लिए हमको फोर्थ गियर या थर्ड गियर अबव रखना है। अगर गाड़ी बीच वाली लाइन में चल रही है तो 20 से 30 स्पीड ये मेंटेन कर सकते हैं, सेकंड गियर से थर्ड गियर में कार को चला सकती हैं। अगर और ज़्यादा इनको स्लो करना है तो सबसे लास्ट वाली लाइन जो आपको दिख रही है लेफ्ट वाली, उसमें ये फर्स्ट गियर में या पार्किंग करना है या स्टॉप करना है या गाड़ी रोकना बढ़ाना है, ये दोनों की प्रैक्टिस अगर करनी है तो वो लाइन है। तो कभी भी हम राइट वाली लाइन में सेकंड गियर में नहीं चलेंगे, ताकि पीछे वालों को दिक्कत होती है, डिस्टर्ब होता है, पीछे से लोग हॉर्न देते हैं तो उसमें फिर डिस्टर्ब होता है। राइट रखो, ये डिवाइडर रोड का रूल से चलाने का। और टर्निंग्स की बात करते हैं कि टर्निंग्स पे कितना पहले सिग्नल देना चाहिए, कितना पहले हॉर्न और कौन सा गियर होना चाहिए, तो वो मैं अभी बाद में बताऊँगा। अभी आप अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाइए प्रिया जी, और बढ़ाइए। अब एक्सीलेटर वाला पैर ब्रेक पे लेके आइए, क्लच दबा के थर्ड गियर सेंटर में। वेरी गुड, जाने दीजिए, गुड, बहुत बढ़िया। गाड़ी लहरानी नहीं चाहिए, एकदम बीच वाली लाइन में चलनी चाहिए जो लाइन है, ठीक है। अभी एचएल के अपोजिट में देखेंगे, काफ़ी सारे वहाँ स्पीड ब्रेकर बने हुए हैं, वहाँ पर गियर सेकेंड फिर कर लेना है आपको। अभी आप ब्रेक पर पैर रखो, हल्का सा ब्रेक डाउन करो, क्योंकि सामने टेम्पो जा रहा है, इससे डिस्टेंस मेंटेन करके रखना। और गाड़ी आपकी लहरानी नहीं चाहिए, ऐसे रोडों पर ज़्यादा हमको स्टीयरिंग काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस थोड़ा सा लेफ्ट और राइट करना पड़ता है। जाने दीजिए, हल्का राइट रखो, हाँ थोड़ा सा राइट, बस जाने दो। वेरी गुड, राइट रखो, हल्का राइट। वो कॉलेज जा रहे हैं बच्चे, ध्यान रखिए उनका, घर वाले इंतज़ार कर रहे हैं सब। राइट रखो, हल्का, अभी स्पीड ब्रेकर आ गया है। अब यहाँ पे गियर कौन सा करेंगे आप? सेकंड गियर करिए, क्लच दबा के। गुड, स्टीयरिंग लहरा क्यों जाती है? मैंने कहाँ पे बताया है गियर चेंज करने के टाइम आपका राइट वाला हाथ कहाँ होना चाहिए? नहीं पता, नहीं पता है कहाँ पे होना चाहिए स्टीयरिंग पे, किस पॉइंट पे होना चाहिए? 12 o'clock पे, ये 3 और 9 और ये 12 o'clock। जब भी हम गियर चेंज करते हैं तो हमारा राइट वाला जो हैंड है वो इस पॉइंट पे होना चाहिए, ताकि हमारी गाड़ी लहराए ना। जो अब बार बार आपकी गाड़ी लहरा रही है, ये लहराना नहीं चाहिए, और उसको खींचना नहीं है, एकदम हाथ सिर्फ ऐसे रखना है, बस इस तरीके से, ताकि क्योंकि जब आप लेफ्ट वाले हाथ से गियर लगाते हो तो राइट वाला भी मूवमेंट में आ जाता है। अभी आप क्लच दबा के फर्स्ट गियर करो, फिर हाथ आपका वहाँ पे नहीं आया मैडम,
मैंने बोला था ना 12 o'clock पे वहाँ आना चाहिए। वापस गियर चेंज करो सेकंड। हाँ ये इस तरीके से, गुड, जाने दो। अभी स्पीड बढ़ाओ हल्का सा, हाँ हल्का सा स्पीड, हाँ जाने दो। और कोशिश करो राइट वाले हाथ से स्टीयरिंग संभालने के लिए, लेफ्ट वाला आप अपना गियर लीवर पे रखो। हल्का लेफ्ट आओ, साइकिल वाले को हॉर्न दो, राइट रखो थोड़ा, जाने दो। वेरी गुड, जाने दो और जाने दो। अब आप क्लच दबा के थर्ड गियर डालो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अभी आप लेफ्ट का सिग्नल दो, हाँ क्लच दबा के गियर सेकंड करो, सेकंड गियर सेकंड, हाँ अब हुआ है। अब गाड़ी देखो आपकी फिर एकदम लेफ्ट आ गई थी। यही चीज़ संभालना, देखिए बिजी रोड पर अगर लहराएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। हाफ क्लच हाफ ब्रेक, यहाँ से लेफ्ट टर्न करना है, हाफ क्लच हाफ ब्रेक, जाने दो। टर्निंग से 100 meter सिग्नल और आपका पैर जो क्लच ब्रेक पे रहे। देखो मैडम हाफ क्लच नहीं दबाया आपने, क्यों कंफ्यूज हो रही हैं आप ये बताइए, क्यों कंफ्यूज हो रही हैं? ये तो आपने सिग्नल अभी कहाँ का दे दिया है, ये देखो कहाँ का सिग्नल हो रहा है गाड़ी में, पीछे वाला कंफ्यूज हो जाएगा ना। तो अभी आपको मैंने बोला था लेफ्ट के लिए, तो आपको लेफ्ट को ही सिग्नल देना चाहिए था, सिग्नल दीजिए लेफ्ट का। अब इसको फर्स्ट गियर में करो, गाड़ी आपकी खड़ी हो चुकी है, जाने दीजिए लेफ्ट टर्न करिए, क्योंकि ये बिजी रोड है, अगर आपकी छोटी सी गलती से बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा, समझ रहे हैं? अब सीधी करो फटाफट जल्दी जल्दी। आपने अभी स्टीयरिंग टर्न करा 100 degree से और सीधी कितनी डिग्री से करा, एकदम 10 degree से। तो जिस स्पीड से आपने स्टीयरिंग को काटा था उसी स्टीयरिंग से उसको सीधा भी करना था। बढ़ाइए स्पीड, हाँ जाने दो और बढ़ाओ। अब एक्सीलेटर वाला पैर ब्रेक पे लेके आओ, क्लच दबा के सेकंड गियर फटाफट। वेरी गुड, ऐसे लेफ्ट हैंड से गियर कब लग जाए राइट हैंड को पता ही नहीं चलना चाहिए, समझ रहे हैं? और ये बार बार चीज़ें, जैसे मान लो मैं कई बार टोकता हूँ क्लच दबा के गियर डालो, तो हर बार मेरे बताने की ज़रूरत नहीं है। 10 अगर आपको बताया गया तो उसके बाद आपके माइंड में वो चीज़ें बैठ जानी चाहिए। स्पीड बढ़ा लीजिए और राइट साइड में ज़्यादा मत दबाइएगा, वरना डिवाइडर में टकरा जाएगी। जो डिवाइडर है उससे कम से कम 2-3 feet जगह राइट में आपको छोड़ के चलना है, कम से कम। बढ़ा लीजिए स्पीड आराम से, हाँ। अभी जो सामने गोल चौराहा आ रहा है उससे हम लोग को स्ट्रेट चलना है, दाएं बाएं देख लेना, वहाँ हो सके तो फर्स्ट गियर कर लेना, क्योंकि जितना स्लो गाड़ी होगी उतना अच्छा कॉन्फिडेंस होता है। अभी कौन से गियर में कार चल रही है आपकी? सेकंड गियर में। गुड, जाने दीजिए। और जो स्टीयरिंग वाला मैंने रोल बताया आपको, आप शीशे नहीं देखते हैं, आपकी नज़र नहीं जाती राइट साइड वाले मिनर में और लेफ्ट साइड वाले, जाती है नहीं कभी कभी, तो फिर कभी कभी चलाना सीख जाएंगे आप, ये बात ध्यान रखिएगा, समझ रहे हैं? 4-wheeler ड्राइव कर रहे हैं आप, हल्का लेफ्ट आ जाओ ना, सीधा जाना, हॉर्न मारिए लॉन्ग हॉर्न, गुड, बस जाने दो। नज़र हटी कि दुर्घटना घटी आप इस बात को समझ लीजिएगा, राइट रखो। 4-wheeler में अगर गलती हो जाती है ना तो सामने वाला फिर अगर छोटा मोटा भी वो होगा तो उसका काम हो जाएगा। बढ़ाइए स्पीड। ये लेफ्ट वाला साइड मिनर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कैसे पता चलेगा आपके लेफ्ट से कौन निकल रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है? क्लच दबा के सेकंड गियर करिए, गुड। ये लेफ्ट और राइट वाले साइड मिनर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी तीसरी और चौथी आँख है, समझ रहे हैं? हाँ, इसके बगैर कार नहीं चलाई जा सकती। ये लुकिंग ग्लास सबसे इंपॉर्टेंट है, ये वाला, ये जो शीशा है इसमें आपकी नज़र जाती है, इसमें नहीं, सेट ही नहीं किया। इस स्कूटी वगैरह में जरा सी ये वो कहीं से निकाल के ले जाओ, इसमें इतनी लंबी और चौड़ी गाड़ी आपको कैसे पता चलेगा? अगर अच्छा आपने अचानक काट दिया लेफ्ट और लेफ्ट से आपके कोई निकल रहा था, साइड मिनर में नहीं देखोगे तो भिड़ जाएगा, समझ रहे? तो आप कोशिश करो कि लेफ्ट साइड मिनर में आपकी नज़र जाए, राइट साइड मिनर में नज़र जाए। ये लुकिंग ग्लास ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इससे आपको पूरा आपकी आंखों की पुतलियां जानी चाहिए, पूरी गर्दन नहीं घुमानी है, सिर्फ हल्की सी नज़र टेढ़ी होनी चाहिए, जिससे आपको पूरा अंदाज़ा लग जाए कि राइट में क्या चल रहा है लेफ्ट में। अभी देखो जैसे होंडा सिटी वाले ने चिपका के निकाला, देखा था, अगर ज़रा सा भी आप हल्का राइट कर देती अभी तो क्या काम होता, भिड़ जाती उसमें, रगड़ जाती गाड़ी। यही सारी चीज़ें सीखनी है, सीधा जाना है हम लोग को स्ट्रेट, सामने लेबर अड्डा है, ध्यान रखना, हाँ काफ़ी लोग हैं, जरा सा किसी को छुएगी चिपट जाएंगे सारे। स्पीड बढ़ाइए हल्का सा, वहाँ पे जाके फर्स्ट गियर कर लेना है, हाँ अभी जाने दो धीरे धीरे, गुड, हॉर्न मारो लॉन्ग। अंकल के सिग्नल नहीं मिल रहे, रोड पे खड़े होकर सिग्नल पकड़ा रहे हैं, हाँ चलो पहले गियर में करो धीरे धीरे, लेफ्ट आओ सीधा जाना और लेफ्ट आओ, हॉर्न मारो लॉन्ग हॉर्न मारते रहो, जाने दो धीरे धीरे, हाँ इसको निकलने दो धीरे धीरे बस, चलो जाओ बढ़ाओ राइट, तो कल का राइट और काटो राइट,
बस सीधा जाना है, लेफ्ट आओ, हल्का लेफ्ट, हाफ क्लच दबा लो यहाँ पे, हाफ क्लच बोला है, ब्रेक नहीं हाफ क्लच है, बस जाने दो धीरे धीरे, लेफ्ट आओ और लेफ्ट लेफ्ट मैडम, कंफ्यूज मत हो। राइट रुको, देख रहे हो कैसी भीड़ है यहाँ पे, राइट रुको हल्का, हाँ ये हट जाए, इसको हॉर्न मारो, बस हल्का लेफ्ट आओ, जाओ निकालो, सामने स्पीड ब्रेकर है ध्यान रखिएगा, हाफ क्लच हाफ ब्रेक, हाँ राइट रुको थोड़ा और राइट बस जाने दो, वेरी गुड, अब बढ़ा लो स्पीड, हाँ थोड़ा सा रेस करो, जाओ स्पीड बढ़ाओ और बढ़ाओ, एक्सीलेटर तो पैर हटाओ, क्लच दबा के सेकंड गियर फटाफट, वेरी गुड। आप चलाती बहुत अच्छा है, लेकिन दो तीन कमियां हैं जो साइड मिरर में आपकी नज़र नहीं जाती है, स्टीयरिंग जो लहरा जाता है, अभी आपने गियर चेंज किया था तो वापस 12 क्लॉक पे हाथ रखा था, नो सर, क्यों नहीं रखा भाई, यही चीज़ें तो है ना, थोड़ा सा यही चीज़ें तो हैं सीखने का, जो कोई चीज़ बताई जाए, अच्छे स्टूडेंट किसको कहते हैं, कि अगर टीचर कोई चीज़ बताता है तो आपके माइंड में वो अब लेकिन हाँ आराम से निकलेगी, इसमें फॉर्च्यूनर निकल जाएगी, उसकी चौड़ाई 8 फीट थी, जो गैपिंग था सीधे निकल, हाँ सीधा जाना है, जहाँ होंडा सिटी खड़ी ब्लैक, ब्रेक पे पैर रखो, सामने गाड़ी आ रही है, स्पीड कम करो, लेफ्ट आओ, देखो लहरा रही गाड़ी आपकी, राइट भागी जा रही गाड़ी, सीधा रखना है, राइट रखो, राइट राइट हॉर्न मारो, बस धीरे धीरे लेफ्ट आओ और लेफ्ट आओ हल्का, हाँ राइट रखो, राइट राइट राइट, रेस करो, हल्का सा चढ़ाई है यहाँ पे, रेस, हमने कहा रेस करो, आपने ब्रेक दबा दिया मैडम, अब इसको पहले गियर में करिए, देखो कंफ्यूज हुए पड़े हो आप, जाओ चलो रेस करो, स्टीयरिंग कैसे हाथ खड़े कर दिए, जैसे लो एकदम हाथ खड़े कर दिए, सिलेंडर कर दिया अपने आप को, अब यहाँ स्टीयरिंग आपने दोनों हाथ से क्यों छोड़ दी थी, गाड़ी बंद होने का तो स्टीयरिंग से क्या मतलब है, बढ़ा लीजिए स्पीड, स्पीड बढ़ाइए, वीडियोस पे थोड़ा सा और अपनी प्रैक्टिस बढ़ाइए, ठीक है, अभी सुबह 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 से देख रही हूँ 7 बजे से, चलिए चलिए 1 घंटे बाद से टाइम बढ़ाइए, स्पीड बढ़ा के सेकंड गियर करिए, फिर देखो आप 12 क्लॉक पे हाथ नहीं ले गए, स्टीयरिंग लहराने का कारण यही है, जब आप लेफ्ट हैंड से गियर चेंज करते हो तो राइट वाला भी मूवमेंट में आ जाता है, जिसके कारण स्टीयरिंग हल्की सी बबल हो जाती है, जाने दीजिए, स्पीड बढ़ा लीजिए धीरे धीरे, हाँ आगे से रिंग रोड आ गया है NH24, वहीं से हमको लेफ्ट जाना है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। प्रिया जी थोड़ा सा चला रही है, बट इनका थोड़ा छोटा बेबी है इसलिए थोड़ा सा समय नहीं दे पा रही हैं, और बाकी वीडियोज़ वगैरह देख रही हैं, हो जाएगा धीरे धीरे, अभी 5 से 4 डेज लगभग हुआ इनको चलाते हुए, काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस है, मेन रोड से चलना, रिंग रोड से, हाँ ऊपर चढ़ जाइए ऑटो वाले के बगल से, हाँ जाने दो, हाफ क्लच हाफ ब्रेक, लेफ्ट टर्न करो, हाँ और टर्न करो, बस अभी किसने आपको बोला ब्रेक दबाने के लिए मैडम, बताइए ब्रेक दबाने के लिए किसने बोला था, यहाँ ब्रेक की कोई ज़रूरत थी, आपने पूरा ब्रेक दबा दिया फुल, जिसकी वजह से गाड़ी बंद हो गई है, वापस स्टार्ट करिए क्लच दबा के, मैम ब्रेक दबाइए, पीछे गाड़ी जाके लड़ जाएगी आपकी, गाड़ी स्टार्ट करिए, इंजन ऑन करिए, इंजन बंद हो चुका है, क्लच दबा के चलिए, जाइए छोड़िए धीरे धीरे, अभी आपने देखो कितना गड़बड़ कर दिया यहाँ पे, हेलो सीधी करो फटाफट, सीधी करो नाले में चली जाएगी, सीधी करो, हेलो बहुत अच्छा चला रहे हैं, वेरी गुड, चलिए बढ़ा दीजिए, लेफ्ट आइए, कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं, होता है सभी के साथ होता है, स्पीड बढ़ा के सेकंड गियर कर लो, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।